नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज किसान खेत छोड़कर रोड पर हैं, ये क्यों है? क्योंकि दिल्ली में बैठा सरकार सुशासन की सरकार है, जो किसानों का मतलब बात मानने को तैयार नहीं है। एमएसपी लाने के लिए जिद पे अड़ी है, जो किसान को चाहिए ही नहीं। जैसे कि झारखंड बिहार जो किसान हाल हुआ है, वह भी हाल पंजाब और हरियाणा को होने वाला है। किसान जानती है कि ये सरकार वादा करके मुकर जाती है, 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख रुपया हर खाते में आएगा, लेकिन आता नहीं है। इसीलिए किसान को डर है कि कहीं कि मेरा भी हाल झारखंड और बिहार के लोगों जैसा नहीं हो जाए। इसीलिए और कुछ लोग पत्रकार बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। और ये भी आया कि ये जो एक सांसद बोल रहे थे कि ये कहीं भी भारत बंद में किसान नहीं है। साहब, आप किसान को किसान कभी माने ही नहीं है कि ये किसान है। अगर दलित किसान का समर्थन करे तो उसको बोलिए ये आतंकवादी है, लेकिन आपको ये सोच कर घिन होना चाहिए कि जो किसान हमें अन्न देता है, अन्न खिलाता है, उसी के मतलब आप ये कर देते हैं। सोचिए मोदी सरकार, ये सुशासन की सरकार बहुत ही घटिया राजनीति कर रही है। और कल भारत बंद का समर्थन जो विपक्ष में बैठी सरकार कर रही थी, वो अरविंद केजरीवाल जी को होम अरेस्ट करके रखा, और ये यूपी का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिए। ये सरकार नहीं, तानाशाह की सरकार है। इसीलिए आप लोग जो भी हो किसान के साथ, वो किसान का समर्थन करें। पिछले 10-12 दिनों से किसान रोड पर है, इनका कम से कम ख्याल रखिए, तभी जाके आगे कुछ देश विकास करेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।